हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ की एक वीडियो बनाइए। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया, तो हमने आप लोग के लिए कट ऑफ एक्सपेक्ट किया है कि इतना कट ऑफ जा सकता है। तो हम इस वीडियो में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि 2024 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपको वीडियो को ध्यान से अच्छे से लास्ट तक सुननी है। ठीक है, उसके बाद यदि फिर आपके मन में कोई डाउट्स होते हैं तो वो आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को बिना देखे सीधे कमेंट कर देना कि आपने ऐसा बताया, ये बताया, ये गलत है, ये सही है, ये सही नहीं होता है। तो आप पूरी बातें ध्यान से सुने, उसके बाद यदि फिर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जैसा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है कि EWS अलग से कैटेगरी होती है और उसके तहत भी बच्चों को एडमिशन होता है, तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं होता है। EWS जैसा कोटा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं है, वो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ही है। तो यदि कोई ऐसा बंदा जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे जनरल कैटेगरी से ही सीट मिलती है। ठीक है, तो EWS वाले को बच्चे को भी जनरल से ही सीट मिलेगी और जनरल वाले को भी जनरल से ही सीट मिलेगी। तो सबसे पहली बात आप इस चीज़ को समझ लें। ठीक है, तो सिर्फ चार कैटेगरी ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। सबसे पहला जनरल, OBC, SC और ST। ठीक है, इसके अलावा फिर जो डिफरेंट स्पेशल कैटेगरीज है जैसे कि GS मतलब गवर्नमेंट स्कूल कोटा, फ्रीडम फाइटर, सैनिक कोटा, फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, PWD। ठीक है, और एक स्पेशल कोटा होता है NRI वाला, NRI कोटा। तो ये सारे बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें कॉलेज मिल सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर कितने मार्क्स पे, ये हम सेकेंड राउंड के डेटा के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक है, थर्ड राउंड में ये और हल्का डिक्रीज हुआ है, लेकिन हम सेकेंड राउंड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेकेंड राउंड तक आपकी चॉइस फिलिंग में उतना पैसा नहीं लगता है और सीट्स भी पर्याप्त बचती है सेकेंड राउंड तक। मॉपअप राउंड में सीट्स कम रहती है, तो कट ऑफ रिलेटिवली इससे और कम जाएगा मॉपअप राउंड में, लेकिन हम आपको एक सेफ कट ऑफ बता दे रहे हैं। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप डेफिनेटली काउंसलिंग कराएं, आपको सेकेंड या फिर मॉपअप राउंड तक 100% कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिनिमम मार्क्स रहेंगे। तो जनरल, आपको मैं 2023 के बारे में बताऊँ, 2023 में जनरल कैटेगरी में 456 नंबर तक मिला था। OBC में जो लास्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था MBBS का, वो 454 मार्क्स तक मिला था। SC कैटेगरी में 336 मार्क्स तक मिला था और ST कैटेगरी में ये 239 मार्क्स तक मिला था। ठीक है, तो इस रैंक, इस मार्क्स पे जो उस टाइम मतलब 2023 के सेकेंड राउंड में जो स्टेट रैंक थी वो थी 456 मार्क्स पे 3609, 454 पे 3667। ठीक है, 336 पे 5939 स्टेट रैंक थी SC में, और ST कैटेगरी में 7882। तो ये स्टेट रैंक थी लास्ट टाइम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की। तो इन कैटेगरी के आसपास आपको इतने मार्क्स पे एक प्राइवेट कॉलेज मिल गया था। तो ये सबसे मिनिमम स्टेट रैंक है। ठीक है, इससे यदि और आपकी ज़्यादा स्टेट रैंक आ रही है तो फिर आपको कॉलेज मिलने के बहुत कम चांस है। तो यदि आपकी इतनी स्टेट रैंक के आसपास इस बार भी स्टेट रैंक आएगी तो आपको 100% है कि कोई ना कोई एक प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाएगा। ठीक है, इससे जिसकी अच्छी रैंक होगी उसे अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिसकी इसके आसपास होगी उसे सबसे जो न्यू वाला भी मेडिकल कॉलेज होगा प्राइवेट वाला वो मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेट रैंक थी। कट ऑफ जो होता है मेनली स्टेट रैंक पर डिपेंड करता है। यदि आपकी स्टेट रैंक यदि इस बार इसके आसपास होगी तो आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा। अब जो स्टेट रैंक है वो अभी MP की आई नहीं है, लेकिन NTA ने जो MP का स्टेट सेंटर वाइज जो रिजल्ट डाला था तो उसके हिसाब से जो बच्चों का परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है, MP के बच्चों का, तो उसके हिसाब से एक रफ हमने रैंक वाइज एक चार्ट बनाया। तो उसमें ये पता चला है कि इस इतनी रैंक पे इस बार 554 मार्क्स है ना, इतनी रैंक पे 553, इतनी रैंक पे 502 और इतनी रैंक पे 468 मार्क्स है। तो जितने भी बच्चों ने मध्य प्रदेश से एग्जाम दिया था सारे बच्चों का उसमें लिस्ट है, तो उसके हिसाब से रफ ये जो आप रैंक देख रहे हैं उसके हिसाब से इतने इतने मार्क्स हैं। तो वहाँ जितने बच्चे, सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो उनकी स्टेट मेरिट लिस्ट भी नहीं बनेगी। आपको मैं बता दूं कि उन्हीं बच्चों की स्टेट रैंक आती है जो रजिस्ट्रेशन करते हैं। अभी जैसे ही MP की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर आपकी एक स्टेट रैंक आएगी। ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली ये जो रैंक है, ठीक है, और जो ये मार्क्स है वो उसमें डेफिनेटली इस मार्क्स से कम ही मार्क्स रहेंगे उन बच्चों के, क्योंकि सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, वही करेंगे जिन्हें काउंसलिंग करानी होगी और कोई कॉलेज मिलने की उम्मीद होगी। तो आपके जो मार्क्स है ये और डिक्रीज होंगे। ये तो हमने आपको रफ बताया कि हाँ, जो सेंटर वाइज रिजल्ट अपडेट किया गया था उसके हिसाब से इतने मार्क्स हैं। ठीक है, तो यदि आपकी इतनी रैंक आ रही है, जब आपकी फाइनल स्टेट रैंक आएगी तो यदि आपकी इतनी रैंक आ रही है अपनी इस कैटेगरी के हिसाब से तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो अब हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। तो 2024 के लिए इसके हिसाब से तो इतने मार्क्स होने चाहिए, लेकिन इतना नहीं जाएगा, डेफिनेटली कम जाएगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 510 से लेकर 520 मार्क्स तक हो सकता है। यदि आपके इतने मार्क्स है जनरल कैटेगरी से तो आपको कॉलेज मिल सकता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज MP में।
ओबीसी की बात करूँ तो ये 500 से 510 मार्क्स जा सकते हैं। एससी कैटेगरी में 390 से लेकर 400 मार्क्स तक रह सकता है। एसटी कैटेगरी में 280 से लेकर 290 मार्क्स तक रह सकता है। तो मिनिमम यदि आपके इतने मार्क्स है तो आप डेफिनेटली काउंसलिंग कराएं, आपको सेकेंड राउंड तक या फिर मॉपअप राउंड तक कॉलेज मिलने की भरपूर संभावनाएं हैं। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि ये कट ऑफ, आप देखिए कि लास्ट ईयर से कट ऑफ 100% इंक्रीज़ हो गई, लगभग 30 से 40 मार्क्स या और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, 50 ऐसे मार्क्स इंक्रीज़ होना ही है। तो उसी के हिसाब से कट ऑफ बनाया गया है कि लास्ट ईयर का क्या ट्रेंड था और इस ईयर बच्चों के जो मार्क्स आए उसके बेसिस पे कट ऑफ बताया गया है। तो आई होप कि आप समझ गए कि यदि आपके इतने मार्क्स है तो आपको किसी न किसी राउंड में एमपी में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा बताइए, यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो कॉलेज का कट ऑफ जान सके। और लास्ट ईयर भी हमने बहुत सारे बच्चों की हेल्प की थी उन्हें काउंसलिंग के थ्रू एक कॉलेज दिलाने में, तो इस ईयर हम आपकी भी हेल्प करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो आपकी हेल्प करते हैं और वहाँ पर जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट है वो आपको मिलते रहती है, तो आप वो ज्वाइन करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी और आपके भी कोई डाउट्स हो कि आप किन टॉपिक्स वीडियो चाहते हैं वो बताइए, डेफिनेटली हम उन टॉपिक को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।